भोजपुरी इंडस्ट्री में ये दो नाम ऐसा है जो हर किसी के कानों में और हर किसी के मनों में चलता रहता है और सुनाई देता रहता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी के बारे में। और खेसारी लाल यादव में अंतर क्या है, आइए समझते हैं। सर, हम बात करते हैं भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि ये एक समय था जो इनके पास पहनने के लिए पैंट भी नहीं था, यानी कि बहुत गरीबी से के आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और बात करें पवन सिंह जी के बारे में, तो वो भी बहुत गरीबी से आज यहाँ तक पहुंचे हैं। यानी कि सर, अगर कहानी अगर इनके स्ट्रगल टाइम का देखा जाए तो दोनों का सेम ही है। पवन सिंह और खेसारी लाल में आखिर अंतर क्या है, तो सर इस वीडियो में बने रहिएगा। और आंखों पे जो पर्दा लगा है वो आज आपके आंखों से हटने वाला है। सर, खेसारी लाल वो इंसान है जो अपने बर्थडे पे गरीबों को मदद करते हैं, और वहीं पे पवन सिंह वो इंसान है जो अपने बर्थडे पे बड़े सुपरस्टार के हाथ से केक खाते हैं। तो सर, ये फर्क आपको समझ में आ रहा होगा और आप लोग भी समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हालांकि मदद पवन सिंह नहीं करते हैं, वो भी मदद करते हैं, बहुत सारे लोगों को करते हैं। पवन सिंह का ये सपना ही है कि मैं जहां चलूं वहां लड़की को शादी करवाते चलूं, वो किसी का बहन हो किसी का बेटी हो उसे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बीच में दिख कौन रहा है, और बहुत सारे दर्शकों के मन में ये मतलब गलत सोच भरा है कि भाई साई लाल यादव जी अच्छे इंसान हैं, पवन सिंह बुरा है, वो सिर्फ अपने शौक देखते हैं, लोगों को मदद नहीं करते हैं। लेकिन सर, बात कुछ और है। पवन सिंह जो करते हैं वो दिखाते नहीं है कैमरे पर। जी हाँ, जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। पवन सिंह बहुत सारे ऐसे गरीबों को मदद किए हैं। एक लंगड़ा फैन था, वो उनके पास चला गया, उनके पास बैठकर पवन सिंह उनको खाना खिलाया, भैया उनको फोन गिफ्ट दिया। ऐसे तमाम जो सोशल मीडिया पे वीडियोस जो कुछ कुछ गलती से वायरल हो जाता है वो तो दिखता ही है सोशल मीडिया पे। बाकी पवन सिंह जो करते हैं तो मना कर देते हैं, पवन सिंह मना कर देते हैं कि भैया वीडियो वीडियो कुछ मत बनाओ, मदद दिखा के नहीं, मतलब ऐसा ही करते हैं। हाँ, गलती से कोई वीडियो बना लिया वो अचानक से वायरल हो जाता है, गलती से वायरल हो जाता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये दोनों में ये अंतर है कि खेसारी लाल अच्छे हैं और पवन सिंह खराब है, तो आप इस वीडियो से समझ गए होंगे कि भैया मदद सब करते हैं जिस तरीका से खेसारी लाल यादव जी मदद करते हैं। हालांकि खेसारी लाल यादव जी का दिख जाता है, उनका टीम जो है वो सारे वीडियो बनाते हैं, वाकई में वो सारे लोग वीडियो बनाते हैं तब लोगों को कुछ देते हैं, तो उनका जल्दी दिख जाता है, लेकिन पवन सिंह जी का छुप जाता है। अभी तक आपके मन में और आपके अंदर ये गलत सोच भरा था, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके मनों से निकल गया होगा। सर, सब अच्छे हैं। प्लीज, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले कोई बड़ा वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं सोनू, आप सभी को नमस्कार।